जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑलरेडी NTN ने जो है अनाउंस कर दिया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। आई एम वन्ना एंड टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल CUET UG एस्पिरेंट्स। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑलरेडी NTN ने जो है अनाउंस कर दिया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, बट अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आई है कि कब से आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, क्या उसकी लास्ट डेट रहेगी। सो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मतलब क्वेरी आ रही थी कि क्या है रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑलरेडी आ चुका है। सो रजिस्ट्रेशन आपके जो कब से स्टार्ट होंगे उसके लिए अकॉर्डिंग टू न्यूज़ मीडिया NTA की तरफ से जो है आपके CUET का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 27th of Feb से जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड उसके जो फॉर्म है वो आप CUET.samarth.ac.in पे जा करके वहाँ से आप अपने जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। यानी 27th of Feb से जो है आपके फॉर्म CUET के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपका वेबसाइट भी उन्होंने बता दिया कि किस वेबसाइट पर जा करके आपको CUET का फॉर्म भरना है। उसके अलावा ये आपको सभी को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो CPT मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपका जो ये एग्ज़ाम है वो प्रॉपर ऑनलाइन मोड में होगा। एग्ज़ाम डेट आपको ऑलरेडी मालूम है कि 15th of May से लेकर के 31st of May तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। एंड इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि आप जो है 12th पास आउट हो, 12th में हो आप, ये जो 2024 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या वो 12th पास आउट हो वो जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एंड उसके अलावा जो है जो 12th में है या 12th पास आउट है उन्हें 12th में एटलीस्ट 50% लेकर के आना होगा, तब जा कर के वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें जो है आपके 250 से भी ऊपर जो है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है जिसके लिए आप जो है अप्लाई करते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे कि आप कितने मार्क्स लाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो आप सभी को फॉर्म जो है जल्दी ही आपके फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड एग्ज़ाम का डेट आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। एंड जैसे ही फॉर्म आए तुरंत आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भर दें, बट ऐसा भी ना करें कि फॉर्म आया और आप भरने लग गए। आराम से रुक के अच्छी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं डॉक्यूमेंट जब फॉर्म भरने बैठ जाते हैं बट उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं रहते हैं कि उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अभी आपके पास ये टाइम है कि आप जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको नीड है, रिक्वायरमेंट है CUET के फॉर्म भरने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लें ताकि जब फॉर्म आए तो उस टाइम पर क्या है आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। थैंक यू।